अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि, जहां 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री रामचंद्र का भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ और उसी दिन मंदिर में 4 से 5 लाख भक्तों की भीड़ देखने मिली, जो सारे आए थे दूर दूर से श्री रामलला के दर्शन करने। और ये अंदाजा लगाया गया कि हर महीने मंदिर में कम से कम 1 से 1.5 लाख भक्तों की संख्या देखने को मिल जाएगी। तो फिर क्या, हम भी पहुंच गए अयोध्या उन्हीं 1 से 1.5 लाख भक्तों में से एक। सो यार दोस्तों, हम लोग फाइनली आ चुके हैं यार अयोध्या धाम के मेन जंक्शन में। अभी मैं बैठा हूँ रेलवे स्टेशन में, और अगर आप में से पहले कोई भी अयोध्या आया था जब ये नया रेलवे स्टेशन नहीं बना था, तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि क्या हालत हुआ करता था अयोध्या रेलवे स्टेशन का। यार बहुत प्रॉब्लम होता था, कोई बैठने के लिए अच्छा से जगह भी नहीं था, वेटिंग रूम के नाम पे तो कुछ भी नहीं था। मैं पहले भी अयोध्या 2 बार आ चुका हूँ, लेकिन अभी जब ये नया वाला स्टेशन देख रहा हूँ ना यार, अंदर से सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जगह है कि आप लोग यार बहुत आराम से यहाँ पर बैठ सकते हो, वेटिंग हॉल का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ इतना अच्छा हवा चल रहा है, अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, इतना अच्छा रेलवे स्टेशन बना है, तो डेफिनेटली इसका एक टूर देना तो बनता है। स्टेशन के ही आगे पास में एक गुजराती धर्मशाला है, जहाँ मैंने अपना सामान रखवा दिया और फिर चल पड़ा पैदल मंदिर की ओर। रेलवे स्टेशन से मंदिर आप चल के भी जा सकते हैं और चाहे तो ई रिक्शा भी ले सकते हैं। सो अभी हम लोग यार सबसे पहले जाने वाले हैं हनुमान गढ़ी, क्योंकि हनुमान भगवान है राम भगवान के दूत, और हनुमान राम भगवान का अगर दर्शन चाहिए तो पहले हनुमान भगवान से परमिशन मांगना पड़ता है। तो हम लोग पहले जा रहे हैं हनुमान गढ़ी, और असल में ये सीक्वेंस होता है कि आप पहले हनुमान भगवान के पास जाइए, फिर राम भगवान के पास। तो जस्ट अभी हम लोग हनुमान गढ़ी चलते हैं, फिर उसके बाद अयोध्या का मेन टेम्पल चलेंगे। हनुमानगढ़ी पहुंचकर हमें ये 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है ऊपर मंदिर तक पहुंचने के लिए। हनुमानगढ़ी अयोध्या सिटी के बीचों बीच में स्थित है। यहां आपको हनुमान भगवान की मूर्ति देखने मिलेगी, अयोध्या के राजा के जैसे। हनुमानगढ़ी में दर्शन कर अब हम आ जाते हैं राम मंदिर की ओर। यहाँ हमें अंदर जाने के लिए चेकिंग करवाना होता है और हमें अपने बैग्स और मोबाइल फोन भी लॉकर में जमा करवाने पड़ेंगे। तो मैं आप सभी को मिलता हूँ रामलला के दर्शन कर। जय श्री राम। समाया नाम में जिस नाम वो श्री राम है, श्री राम ही आकाश है, श्री राम अवनी धाम है। जग समाया नाम में जिस नाम वो श्री राम है, कंठ में भी। तो यार फाइनली हमारा दर्शन हो गया, हमारे प्रभु श्री राम लला का दर्शन करके। जस्ट अभी मैं बाहर आया हूँ, और असल में यहीं से हमारा जो एंट्री है वो भी है, जहाँ से आप राम मंदिर के अंदर जाएंगे। दर्शन यार बहुत ही आसानी से आराम से हुआ, बिल्कुल भी भीड़ नहीं था। अब शाम हो जाती है तो हम आ जाते हैं सरयू नदी के पास आरती में शामिल होने।
अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर फैजाबाद में है नंदीग्राम, जिसे भरत कुंड के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम जब 14 साल के लिए वनवास गए थे, तब भरत राम के भाई ने यहाँ तपस्या की थी और वो यहीं से ही अयोध्या का राजपाट भी संभाला करते थे जब तक भगवान राम वनवास से वापिस ना आ गए। ये एक छोटा सा मंदिर है, अगर आप चाहे तो यहाँ भी आ सकते हैं। बस यही था हमारे अयोध्या धाम श्री रामलला के दर्शन करने का सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। हाल ही में मैंने उत्तराखंड में पंच केदार की यात्रा की है, आप वो वीडियो भी यहाँ से देख सकते हैं। जय श्री राम।